बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और घर पे अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है जो कि हमने स्टार्ट किया था। तो इससे पहले कि आपको बता दूं कि जो स्कूल से वर्कशीट्स हैं इंग्लिश की वो मिल रही हैं, आपने उर्दू की वर्कशीट्स को जमा करवाना है और इंग्लिश की वर्कशीट ले जानी है। और सेकेंड थिंग कि यूट्यूब के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसकी पिछली वीडियोस भी मिल जाए और आपको होम टास्क कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर लिखा है रीड द लेटर एंड ट्रेस द फिंगर एंड द पेंसिल एंड द कलर इट। यहाँ पर आपने 3 काम करने हैं, एक तो इसकी ट्रेसिंग करनी है, दूसरा इसको नीचे खुद से लिखना है, इसमें कलर भी करना है और इसके ऊपर आपने एरो की मदद से इसको कंप्लीट भी करना है। और इसके अलावा आपने इसको साउंड के साथ प्रोड्यूस करके पढ़ना है, जैसे जी ग गॉट, ठीक है। इसी तरह आपने इसी पेज पे हैन और इसको भी आपने इसी तरह ही पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा कि नीचे जो डॉट्स दिए गए हैं आप इन्हीं डॉट्स पर लिखें, एक्स्ट्रा डॉट्स आपको ना लगाने पड़े। अगर आपको एक्स्ट्रा डॉट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पहले इसको रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करें और फिर इस पर लिखें, डायरेक्टली इस पर नहीं लिखना एक्स्ट्रा डॉट लगाकर। यहाँ पर आपको दिया गया है कलर द ग्लास विद द लेटर जी, जिस लेटर जिसमें जी का लेटर है आपने उसमें कलर करना है। ये एफ है, जी और एच, और इसमें है जी तो हमने इस पर कलर करना है। नीचे है कलर द हैंड्स विद द लेटर एच, जिसमें एच है आपने उस हैंड को कलर करना है। तो ये वाले हैंड में एच है तो आपने इस पर कलर करना है और ये वाले हैंड में भी एच है तो आपने इस पर भी कलर करना है। यहाँ पर ये बना है इग्लू, तो आई ई इग्लू, आपने इनकी साउंड्स अच्छी तरह याद करनी है, आपने इसी तरह ही पढ़ना है और इसके नीचे ट्रेसिंग के साथ आपने इसी तरह वर्ड्स को कंप्लीट करना है। और याद दोबारा दिला दूँ, आपने ये वर्ड्स को खुद लिखना है, कोशिश करनी है कि आप खुद से लिख लें। और ये जैकेट, इस पर भी आपने इसी तरह पढ़ना है और लिखना भी है और इस पर कलर भी करना है। यहाँ पर लिखा है कलर द इंकपॉट विद द लेटर आई। एक और बात, आपने ये कलर किसी घर वाले से नहीं करवाने, आपने ये कलर खुद करने हैं ताकि आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने हर किसी बहना से, मामा से, भाई से, किसी से कलर नहीं करवाने, ये तो आपका फेवरेट काम है, आपने तो खुद से कलर करने हैं। आपको आप उनसे ज़्यादा बेटर कलर कर सकते हो, आपकी मामा को बहना को इतने प्यारे कलर नहीं करने आते जितने प्यारे आपको कलर करने आते हैं, आपने ये कलर खुद करने हैं। यहाँ पर आपने आई इंकपॉट में कलर करना है जिसमें आई है। यहाँ पर जग है, आपने इसी तरह इसमें कलर करना है। काइट पढ़ना भी है, कलर भी करना है और लिखना भी है और इसको साउंड के साथ पढ़ना है। इसके अलावा जो साउंड हैं, साउंड की वीडियो आपको ग्रुप में सेंड कर दी गई हैं, जिसको नहीं मिली वो या तो सर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो वीडियो ले लें या फिर नेट से सर्च कर लें कि वो वीडियो फोनिक साउंड्स के साथ जो वीडियो है उसको आपने अगर आपको कोई साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं पता, तो आप वो साउंड नेट से चेक कर लें। यहाँ पर है कलर द कैटल विद द लेटर के, जिस कैटल में के है आपने उसको कलर करना है। तो इसमें के है, इसके अलावा और भी कैटल हैं जिसमें कलर करना, जिसमें के है तो आपने सब कैटल्स में कलर कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ एक में किया गया है। कलर द लीव्स विद द लेटर एल, लीव में आपने एल कलर करना है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे, जैसे ये एल है और नीचे है जे, तो आपने इसको इसकी शेप को अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है कि एल की शेप कौन सी होती है और जे की कौन सी होती है। ये तकरीबन एक जैसी होती हैं, बस इनके फेस अलग-अलग हैं, तो आपने इनकी अच्छी तरह पहचान रखनी है ताकि आप इसमें भी कलर कर सकें। यहाँ पर लिखा है रवियन पेज ट्रेस एंड राइट जी टू एल, आपने जी टू एल लिखना है। ये ऊपर दिया गया है, आपने बगैर किसी डॉट के इसके नीचे लिखना है, आपने इस पर कोई एक्स्ट्रा डॉट नहीं लगाना। मैच द लेटर विद द करेक्ट पिक्चर्स, यहाँ पर आपने करेक्ट पिक्चर के साथ वर्ड को मैच करना है, जैसे जी को गोट के साथ, जे जग। यहाँ पर है राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पर आपने इसका जो लेटर है इसको कंप्लीट, वर्ड जो है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर इसका मिसिंग लेटर लिखना है और यहाँ पर पूरा वर्ड लिखना है।
यहाँ पर आपको ट्रेस द पैटर्न, यहाँ पर आपको बस ट्रेसिंग के लिए कुछ पैटर्न दिया गया है, आपने इसको ट्रेस कर लेना है। रीड द लेटर, ट्रेस द फिंगर एंड पेंसिल एंड कलर इट। सेम काम वही, आपने एम को ट्रेस करना है, यहाँ पर कलर करना है और नीचे इसकी ट्रेसिंग करनी है, और साथ यहाँ पर एम पे भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर आपने एम में कलर करना है, ये कोई भी जिसमें एम लिखा हो आपने वो सारे मैंगोज़ में कलर करना है जिसमें एम लिखा हो, और वो सब नेस्ट में कलर करना है जिसमें एन लिखा हो। ओ आपने इसकी साउंड के साथ इसको पढ़ना है, इसको यूँ ट्रेस करना है और नीचे खुद से राइट करना है। पैरेट आपने कलर भी करना है, आपने इसकी ट्रेसिंग भी करनी है और आपने इसको नीचे से खुद भी लिखना है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आपने इन सब वर्ड्स की अच्छी तरह पहचान करनी है, और स्कूल में काम जमा करवाने से पहले नेम, फादर नेम और आईडी नंबर ज़रूर लिखना है ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।